पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। इस सीट पर करीब 22,05,000 मतदाता है। इस लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले की बाड़मेर, चौटन, शिव, गुड़ा मलानी, बालोतरा जिले की बायतू, पचपदरा, सिवाना और जैसलमेर जिले की जैसलमेर मुख्यालय सीट आती है। इन 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 पर निर्दलीय और 1 पर कांग्रेस का विधायक है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, लेकिन 2004, 14 और 19 में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। बाड़मेर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1952 में पहली बार भवानी सिंह और 1957 में दूसरी बार रघुनाथ सिंह ने यहां से निर्दलीय जीत दर्ज की। 1962 में तन सिंह ने राम राज्य परिषद से जीत दर्ज की थी। 1967 से लगातार 2 बार कांग्रेस के अमृत नाटा ने जीते और 1977 साल के चुनाव में जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे तन सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 1980 से लगातार कांग्रेस के वृद्धि चंद जैन सांसद रहे। 1989 में प्रदेश के दिग्गज राजपूत नेता कल्याण सिंह कालवी ने जनता पार्टी से लड़ा और जीतकर केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए। साल 1991 में चुनाव में दिग्गज जाट नेता रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उनके बाद साल 1996, 98, 99 में 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने जीत दर्ज की। साल 2004 में पहली बार केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल ने पहली बार इस सीट से भाजपा का खाता खोला। साल 2014 के आम चुनाव में जसवंत सिंह जसोल खुद इस सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के कर्नल सोनाराम चौधरी ने 80,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा से चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी 3.5 लाख रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हार गए। इस सीट पर कुल मतदाता करीब 22,05,000 है। इनमें सबसे ज्यादा मूल ओबीसी के करीब 7 लाख मतदाता है। इसके अलावा जाट समाज के करीब 4,50,000 मतदाता है। अल्पसंख्यक करीब से 2,80,000 और राजपूत से 3 लाख वोटर्स है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट राजस्थान के पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस इलाके में पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में हर चुनाव में मूलभूत सुविधाएं ही बड़ा मुद्दा बनती रही है। इस बार मूलभूत सुविधाओं के साथ जिले में स्थापित हो रही रिफाइनरी, विंड एंड सोलर पावर सेक्टर सहित मल्टीनेशनल कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा हावी है।